तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर एक ऑटोमेटिक क्रो फार्म एंड उसके साथ ही साथ मैं बनाने वाला हूं एक एक्सपी फार्म। सो गाइस तुम लोगों को पता ही होगा मैंने ऑफलाइन पहले अपना एक क्रो फार्म बनाया था बट वो वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, या तो एरिया बड़ा है या फिर पता नहीं क्या ही दिक्कत है वहां पे। इसीलिए गाइस आज हम लोग उसको तोड़ के बनाने वाले हैं एक बढ़िया सा ऑटोमेटिक क्रो फार्म जो कि बिल्कुल 100% वर्किंग होगा। एंड साथ ही साथ गाइस मैं बनाने वाला हूं एक एक्सपी फार्म क्योंकि भाई मैं अपने ना इस गोल्ड फार्म को यूज करते करते थक चुका हूं और साथ ही साथ इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को बताता हूं मैं। सो यहां पर देखो मैंने नीचे की तरफ एक ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है जिससे क्या कि ये अपनी रोटन फ्लैश और गोल्ड इंगट और साथ ही साथ अपना ये गोल्ड के इंगट नगेट्स है ना सब अलग अलग हो जाए और ये सिस्टम किया हुआ है इसी के पीछे की तरफ। तो क्या है ना मैं यहां पे बार बार एक्सपी के लिए आ रहा हूं तो अभी देखो मैं मारता तो इनको स्वॉर्ड से हूं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना गाइस के यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, इनके अंदर स्वॉर्ड्स आ जा रहे हैं बहुत सी जगह जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसको ना मेरे को भी बार बार डिस्टर्ब करना छोड़ना पड़ेगा यार क्योंकि गोल्ड मेरा सही तरीके से कलेक्ट हो नहीं पा रहा है। क्रो फार्म तुम लोगों को पता ही है क्रो फार्म मेरा कहाँ पे है, बट वहां पर जाने से पहले ना मैं एक चीज करने वाला हूँ, मेरे को चाहिए होगी एक बोट, एक नहीं बल्कि दो बोट चाहिए होगी। मैं इसको ना थोड़ा भी बड़ा बनाने वाला हूँ, मतलब एक ही नहीं बनाने वाला हूँ, इसके अंदर चार चार तरह के वो लगने वाले हैं वेजिटेबल्स, चार तरह की लगने वाली है मतलब कैरेट पटेटो एंड वीट और बीट रूट चारों लगने वाले हैं। मुझे तीन बना लेनी चाहिए एक्चुअल में क्योंकि क्या ना मैं वहाँ पर इनकी वो भी करने वाला हूँ, ब्रीडिंग भी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले एक काम करना है, ये जो मेरा ये फार्म बनाया था ना मैंने, इसको मुझे पहले सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा पूरे को और उसके साथ साथ ही ना मेरे को यहाँ पर जो ये विलेजर्स है ना इनको सेफ रखना पड़ेगा। विलेजर आया, लेट्स गो, आया। क्या तू ट्रेडिंग करता है क्या अभी भी मेरे से? नहीं, ये गोल्डन कैरेट्स नहीं देता। ओके, तो ये वाला सेफ हो चुका है, इसी तरीके से मेरे को इधर भी एक सेफ करना है। ओके लेट्स गो, ये वाला विलेजर भी हो गया अपना सेफ, मैं केवल साइड साइड से तोड़ने वाला हूँ उसको। तो गाइस यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है मेरे से, मैंने फार्म तो यहाँ पे अच्छे तरीके से तोड़ दिया है बट मैं जब एंड में है ना अपना ये जो चेस्ट वगैरह वाला एरिया तोड़ रहा था ना तो तब जाके मुझे पता चल लगा कि गाइस के मेरा ये फार्म वर्क करने लग गया था। मुझे पता नहीं था पहले, सीरियसली माँ की कसम खा के कह रहा हूँ मेरे को नहीं पता था भाई कि ये चालू है, वरना मैं इसको तोड़ता ही क्यों भाई। मैंने सीरियसली मैंने चेस्ट से एक नहीं करी ना, वो मैंने सबसे बड़ी गलती कर ली भाई। वीडियो भी गाइस स्पेशली इसी की वजह से रिकॉर्ड कर रहा था कि नहीं सर्वाइवल वीडियो एक रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेरा फार्म वर्क नहीं कर रहा, इसको भी चालू करना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। बट अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी मैंने फार्म को तोड़ दिया है तो आई थिंक ना इसको रीडिजाइन कर देते हैं। वो पहले बेसिक सा था, अभी यार तुम लोग मैं कुछ भी बोलूंगा ना बहाने मारोगे, समझोगे कि बहाने मार रहा है, बट सीरियसली भाई मेरे को नहीं पता था कि ये फार्म मेरा वर्क कर रहा है, अगर वर्क कर रहा होता तो मैं इसको तोड़ता भी नहीं सही में। अभी देखो मेरे से गलती हो चुकी है तो अभी मैं ये गलती को सुधारने के लिए अभी एक काम करने वाला हूँ, मैं इसको रीडिजाइन करने वाला हूँ। पहले ऐसा नॉर्मल था बट अभी ना इसको रीडिजाइन करेंगे, थोड़ा और अच्छा दिखने का, बहुत अच्छा लगेगा वैसे बनाएंगे इसको। सो सबसे पहले गाइस इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा सामान लगेगा, सो या सामान कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं। एंड मेरे पास चेस्टे वगैरह होनी चाहिए ना, मतलब अपने शल्कर्स वगैरह, यस शल्कर्स है, फायर रॉकर, ये रॉकेट्स भी है, नाइस। सो लेट्स गो, चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ। जितना सामान मेरे को यहाँ के लिए चाहिए ना मैं फटाफट से कलेक्ट करने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ क्योंकि ज्यादा सामान लगेगा नहीं मेरे को। Much later. तो आ चुका हूँ मैं वापस अपनी लोकेशन पे। एंड गाइज मैंने यहाँ पे सारा सामान कलेक्ट कर लिया है जितने की मेरे को जरूरत थी। ये देखो इसके अंदर जितना भी मेरे को सामान चाहिए था वो सारा का सारा सामान यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। एंड थोड़ा बहुत मेरा सामान यहाँ पर इन वाली चेस्टों में पड़ा हुआ है जो की मुझे ये एरिया को तोड़ के मिला था। ये देखो यहाँ पर काफी सारा सामान मैंने रखा हुआ है और ये बेड मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हुए क्योंकि मैंने करवाई थी इन लोगों की ब्रीदिंग। ये देखो कितने सारे विलेजर्स हो चुके हैं अभी मेरे पास, जितने विलेजर्स की मुझे जरूरत थी ना उतने विलेजर हो चुके हैं यहाँ पे। मुझे टोटल 8 विलेजर्स की जरूरत थी एंड 8 विलेजर्स हो चुके हैं अभी, तुम लोग देख सकते हो पीछे की तरफ। सो लेट्स गो, अभी ये बिल्ड को फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड फिर अपना फार्म कैसे क्या ये वर्क करता भी है या नहीं मेरे को अभी तक इस पर डाउट हो रहा है। और अगर अभी तक तुम लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज से वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मैं इसको फटाफट से बना के। सो गाइज अपना फॉर्म देखो बिल्कुल एकदम तैयार है बनके। एंड गाइज ये सीरियसली ना बहुत सही तरीके से काम कर रहा है मेरा फॉर्म यहाँ पे देखो। अबे यार ये बच्चा, इन्हें विलेजर्स ने जितना मेरे को परेशान किया ना भाई किसी ने नहीं किया सीरियसली, इसकी माँ की मतलब
विलेजर की पैक। एंड गाइस रिप्ले भी सही तरीके से नहीं रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि मेरा दूसरा वाला मोबाइल ओवरहीट की वजह से गाइस सीरियसली बंद ही हो गया था एक तरीके से, एंड मेरे को पता नहीं था। बट गाइस उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि मैं तुम लोगों को मतलब नहीं बता सकूं, मतलब बताना इतना वो जरूरी हो, केवल छत छत का काम था, ये नीचे वाले का काम ले रहा था, बाकी तो कंप्लीट था, पूरा स्ट्रक्चर अपन ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये है अपने पीछे वाला एरिया गाइस जहां पर अपना सारा सामान कलेक्ट होता है, यहां पर अपना स्टोरेज जो कि देखो कितना सारा यहाँ पे कैरेट कलेक्ट हो चुका है। हाँ मेरे पास जो पहले वाला कैरेट था ना वो भी मैंने यहीं पे स्टोर कर दिया है क्योंकि मैं उसको अलग जगह पे नहीं रखना चाहता था, वो आई थिंक इतना था, बट यहाँ पर देखो इतना और ज्यादा कलेक्ट हो चुका है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर है अपना पोटैटो है, ऊपर की अगर तरफ मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो ऊपर है अपना ये बीट रूट है, बीट रूट 43 क्यों है वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि गाइस क्या है ना बीट रूट के मेरे पास केवल 3 सीड्स थे जो भी मैंने ऊपर प्लांट कर दिया। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो बीट रूट के वो विलेजर ने कितने सारे लगा दिए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर है अपना वीट जिसके अंदर अपना ब्रेड निकल रहा है, नाइस। तो ये वाला फार्म गाइस अपना काफी अच्छे तरीके से बन भी गया है एंड साथ ही साथ काफी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। सो ये काम हो चुका है तो अभी निकलते हैं हम लोग अपने एंड की तरफ, मतलब मेरे को अभी एक एंडर फार्म भी बनाना है एक्सपी के लिए। सो उसका सामान कलेक्ट कर लेते हैं एंड निकलते हैं अभी। Much later. Okay, तो एंड में तो हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ पर गाइज ऐसा है ना कि मेरे को ऐसा चाहिए कि जो सबसे नीचे वाला एरिया हो ना वहां पर ये बनेगा बेसिकली, यहाँ पर कहीं पर। अभी अभी मैंने 3 जगह चेंज कर ली। ओ नहीं क्या चीज है, निकल। Okay, तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने वाले, ये बनाना ना सीरियसली थोड़ा रिस्की होने वाला है, बट कोई ना बनाना का ट्राई तो करेंगे ही अपन। सो यहाँ पर अपना सामान में रख देता हूँ एक बार, मुझे जो जो सामान चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखो मेरे को ये सामान की ही जरूरत है, वैसे इतने की भी जरूरत नहीं है, ये तो वेस्ट है। ये केवल मेरे को इतना सामान चाहिए, ये 4 आइटम बस और कुछ नहीं चाहिए। सो लेट्स गो, फटाफट से निकलते हैं। नहीं ओ भाई मत मारियो, नहीं 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 प्लीज मत मार, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। ओके चलो मैं अपने घर पे स्पॉन हुआ हूँ, बट मेरा सामान सारा सेफ है, यस, क्योंकि मैंने उसको रख दिया था अपनी एंड चेस्ट के अंदर, देखा मेरा दिमाग। ओके तो यहाँ तो मैं पहुंच चुका हूँ, यहीं कहीं पे मैंने अपना सामान रखा था ना, मुझे जहाँ तक याद है सामान मेरा कुछ डिस्पॉन तो नहीं हुआ है या फिर हो चुका है। यस काफी सारा सामान मेरा डिस्पॉन हो गया है शायद, नहीं 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 कुछ भी डिस्पॉन नहीं हुआ भाई। लावा की बकेट, लावा की बकेट, लावा लेने फिर से नहीं जाना मेरे को प्लीज। यहाँ पर ना मेरे को डाल देना है लावा ताकि ये जाएगा नीचे की तरफ, एंड मेरे को यहाँ पर कंटिन्यू इसको देखना है कि ये नीचे कितनी देर में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पर वाटर ऐड कर देना है जिससे क्या कि ये पूरा नीचे जाने के बाद एक कबल स्टोन की वॉल बन जाएगी। अब मुझे यहाँ पर वाटर डाल देना चाहिए कुछ ऐसे, और आई होप कि ये नीचे तक पहुंच गया हो, मैंने कहीं बीच में ही ना डाल दिया हो। ओके 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 आई थिंक सोना ये एंड ओके लेट्स गो। ओ मैं 1 पे हूँ, आई थिंक यही है ना, हाँ यही होना चाहिए। यहाँ पर ये लगाओ एंड लेट्स गो। ओके तो अपना प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म तो नहीं बट ये वाला एरिया बन चुका है, और यहाँ पर आप इसे कितने सारे एंडरमैन आ गए। अभी देखो मेरे को नीचे जाके ना 2.5 स्टैक मेरे को बिल्ड करना है आगे की तरफ। ओके सो हियर वी गो, लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं एंड तुम लोग एंजॉय करो टाइम स्लैप को, मैं फटाफट से बना के मिलता हूँ तुम लोग। ऑलराइट तो गाइस मेरा एंडरमैन का एक्सपी फार्म यहाँ पे बन चुका है, एंड गाइस सीरियसली बताऊँ ना तो यार ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है फार्म भाई, मेरे को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया वैसे यहाँ पे एक्सपी गेन करते हुए। और देखो मैंने रास्ता भी चेंज कर दिया है थोड़ा, ये देखो इसको 1 वे से मैंने 3 वे कर दिया है, काफ़ी सही लग रहा है रास्ता। सो यहाँ पर मैंने देखो बाउंड्री भी लगा दी है थोड़ी ताकि मैं गिरूँ नहीं, अभी तुम लोगों को पता ही है मैं कितना ज़्यादा गिरता रहता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ये देखो एक्सपी भी गेन करी है, साथ ही साथ थोड़ा मेरे को यहाँ पे काफ़ी सारे एंडर पल्स मिले, और मेरी वो वाली स्वॉर्ड जो अपनी
नेदरराइट की थी वो तो गाइस गुम गई है। मैं अपने फार्म पे अपने गोल्डन फार्म पे गया था अपना एक्सपी गेन करने के लिए, मेरी इलाइट्रा टूट गई थी बिल्कुल उसको सही करने के लिए। तो इलाइट्रा तो सही हो गई बट मेरा स्वॉर्ड चला गया बिल्कुल। बट ये वाली स्वॉर्ड भी कम नहीं है, इसमें देखो तुम लोग काफी सही से एन्चेंटमेंट डले हुए हैं। ये मेरे को एंड में मिली थी वो वाली स्वॉर्ड है ये, इसके अंदर भी काफी अच्छी एन्चेंटमेंट्स है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंडिंग मैंने इसके अंदर डाला है, बाकी ये सब आइटम मेरे को इसमें डले हुए मिले थे। ओके सो ये भी अपना हो गया है, बट इससे क्या मेरे को एक्सपी बहुत कम गेन हो रही है सही बताऊं तो। मेरा जो गोल्ड का जो फॉर्म है ना गाइस वो इससे ज्यादा काफी ज्यादा एफिशिएंट है सीरियसली। बट क्या कर सकते हैं यार, उसको मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना, मेरा लूट का बहुत गंदा सीन हो रहा है वहां पे, इसीलिए मैंने ये वाला फार्म बनाया ताकि मैं एक्सपी के लिए यहाँ पे आ सकूँ। और मेरे को कोई दूसरा रूट भी देखना पड़ेगा जहाँ से मैं फटाफट यहाँ पे आ सकूँ। सो या गाइस दैट्स फॉर टुडे गाइस, इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो प्लीज इस वीडियो को लाइक मार देना, एंड तुम लोगों को मेरे दोनों फार्म कैसे लगे मेरे को कमेंट्स में जाकर जरूर से बताना। एंड मिलते हैं एक और न्यू सर्वाइवल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।